कौन है भूरी आंखों वाली वो देश की पहली सबसे सुंदर और कम उम्र वाली सांसद, जिसने एक झटके में दे दिया इस्तीफा, जिसके सामने दुनिया भर की महिला सांसदों की सुंदरता हो जाती थी फेल। उसी ने चुनाव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कर दिया सबसे बड़ा खेल। देखता रह गया इंडिया गठबंधन, 3 लाख वोटों से जीती थी बड़ी जीत। ममता बनर्जी के भी उड़ गए थे होश, मोदी के सामने देश की संसद में दिया था अपना पहला भाषण, आज राजनीति में मचा दिया घमासान। 3 मिनट की रिपोर्ट में मिमी चक्रवर्ती की असली कहानी हम आपको बताएंगे, क्यों दिया इस्तीफा ये सारी कहानी समझाएंगे। जी, इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है, मिमी चक्रवर्ती। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दरअसल गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले ने राजनीतिक जगत में कोहराम मचा कर रख दिया है। उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार मिमी चक्रवर्ती ने अपने सांसद पद से इस्तीफा क्यों दिया है। मिमी चक्रवर्ती वो सांसद रही हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर विदेशों में भी थे, जो बहुत कम उम्र की बहुत सुंदर सांसद थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मिमी चक्रवर्ती ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो आपको बता दें, मिमी चक्रवर्ती ने अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद ये कहा कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। राजनीति पर अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको उसका प्रचार करना होता है। राजनीति के साथ साथ मैं एक अभिनेता के रूप में भी कार्य करती हूँ। मेरा दायित्व दोनों तरफ एक समान बनता है। अगर कोई राजनीति में आता है तो आप काम करें या ना करें, आपको भला बुरा कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जो परेशानी है उसे लेकर मैंने ममता बनर्जी से बात की, जिस पार्टी ने मुझे आगे आने का मौका दिया। मैं अपने इस्तीफे की जानकारी उन्हें पहले देना चाहती हूँ। 2022 में ही मैंने एक बार अपने सांसद पद से इस्तीफे को लेकर दीदी से बात की थी, तब उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया था। दीदी जो भी कहेंगी उसके बाद ही मैं आगे की प्रक्रिया को पूरी करूंगी। आपको बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती को जादवपुर सीट से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के अनुपम हाजरा को हराया था। वहीं तीसरे नंबर पर CPIM के बिकेश रंजन भट्टाचार्य रहे थे। आपको बता दें, इसी महीने की शुरुआत में बंगाली फिल्म स्टार और तृणमूल कांग्रेस के सांसद दीपक अधिकारी ने भी अपनी पार्टी को झटका दे दिया था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की 3 समितियों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या 2 बार के सांसद पश्चिम मेदिनीपुर जिले में अपनी सीट घायल से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। दीपक अधिकारी टॉलीवुड का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने इस्तीफा देने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और फिल्मी करियर पर ही ध्यान रखना चाहते हैं। कहीं मिमी चक्रवर्ती भी ऐसा ही तो नहीं चाहते? कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि मिमी चक्रवर्ती शायद बीजेपी में शामिल होने वाली हैं और बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले उनको कोई बहुत बड़ा रोल देना चाहती है। पीएम मोदी और अमित शाह ने मिमी चक्रवर्ती के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। शायद इसी वजह से मिमी चक्रवर्ती से बात हो गई है और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन कई लोग इस थ्योरी को नहीं मानते। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो मिमी चक्रवर्ती को पसंद नहीं आई, इसी वजह से उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, मिमी के इस्तीफे के पीछे की असली वजह तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी और पूरी कहानी शीशे की तरह सामने आ जाएगी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, मिमी चक्रवर्ती ने आखिरकार सांसदी से इस्तीफा क्यों दिया? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।